हरे कृष्णा राधे राधे। वैशाख मास यानी मधुसूदन मास, भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम दिया है। बहुत ही पवित्र, पावन और फलकारी महीना है, इसे ऐसे ही जाने ना दे, कुछ ना कुछ करें जरूर। अब वैशाख मास से संबंधित हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, भक्तों के मन में अभी कंफ्यूजन है, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपने हमारी पिछली वीडियो जिसमें बताया था वैशाख स्नान कैसे करें जरूर देख ली होगी। अगर अभी तक नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। अब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, अशुद्ध अवस्था या पीरियड्स में कैसे नियमों का पालन करें, कैसे पूजा करें। तो देखो, जब महिलाएं अशुद्ध अवस्था यानी पीरियड्स या मासिक धर्म में होती हैं, तब भी वो अपने स्नान का नियम ना छोड़े। वैसे ही सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, घर को साफ करके स्नान करें। पर एक चीज ध्यान रखना, कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं करना, बस आराम से बैठ के भगवान का नाम जाप करें, मंत्र जाप करें। वैशाख माह का महत्तम और कहानियां मोबाइल पर सुन ले। अशुद्ध अवस्था के समय किसी भी नदी, तालाब, पोखर या घर के बाहर भी स्नान नहीं करना चाहिए, घर पर ही स्नान करना चाहिए। अगर वैशाख व्रत कर रहे हो और एक समय खाने का नियम लिया है तो उसी तरह अपने नियम को हम निभाएंगे। याद रखना, अशुद्ध अवस्था में आपके लिए सूर्य को जल कोई और देगा, आप स्वयं से सूर्य को जल नहीं दोगे। आप उनके साथ खड़े हो जाएं और मन में भगवान का ध्यान करें। सूर्य और ये चीज ध्यान रखना, सूर्य को जल अवश्य दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो चार दिन आप छोड़ दोगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न आया है, हमने कार्तिक स्नान किया, क्या आप वैशाख स्नान भी करें। तो देखो, दिल से कहूंगी बिल्कुल करो, जरूर करो। जीवन बहुत छोटा है, जितना ज्यादा पुण्य कर्म कर सकते हो कर लो। दूसरी बात, जब हम कार्तिक माघ या वैशाख आदि माह में स्नान व्रत पूजा आदि करते हैं तो उसके बहुत फायदे होते हैं। पहला, वो इतने पुण्यकारी महीने हैं कि उसमें किए हुए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। दूसरा, जब हमें कोई स्नान दान पुण्य कर्म कर रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में इतनी खुशी, इतना आनंद होता है कि हमें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने का मन होता है। तीसरा, पुण्य कर्म करने की वजह से किसी भी तरह के गलत कार्य करने से हम बच जाते हैं। जैसे गलती से भी हम किसी की चुगली या कोई और गलत काम नहीं करते, क्योंकि मन में हर समय चल रहा होता है, मैं वैशाख स्नान कर रही हूँ, मैं वैशाख स्नान कर रही हूँ, है ना। चौथी बात क्या होती है, हमारे समय का सदुपयोग हो जाता है। हम सूर्योदय से पहले उठते हैं, कभी भी आलस नहीं आता। वरना रोज में क्या होता है, अगर जिनका नियम भी होता है, जो सुबह जल्दी उठते हैं, उनको भी होता है कभी कभी थक गए, आज बहुत थका हुआ लग रहा, नहीं उठ रहे, है ना। तो बट उनके सामने भी होता है, नियम लिया है तो भाई मुझे करना ही करना है, जिससे हमारा पूजा पाठ समय पे हो जाता है, उसके लिए समय भी ज्यादा मिलता है। पांचवा फायदा होता है, कार्तिक माह या वैशाख माह के महत्तम को पढ़ने सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें बहुत सारी नई चीजें पता चलती है। और याद रखो, ये महीने इतने पावन है कि भगवान की अधिक कृपा हमें मिलती है, हमारी भक्ति बढ़ती है। इसी तरह के हमारे और भी अनेकों फायदे हैं, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पुण्य कर्म करो। एक और बात याद रखो, देखो सबको पता है पुण्य कर्म करने चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, पर इस कलयुग में हमें सब पता होते हुए भी हम कितने ही पाप कर देते, कई तो अनजाने में ही करते। और जिस समय हम ये अधिक पुण्य कर्म कर सकते हैं ना, तो वो समय हमें ऐसे ही बेकार फोन देकर, टीवी मूवी भी देकर बेकार नहीं करना चाहिए। इस कलयुग में अपने आप को शुभ कर्मों में लगाए रखो, यही एकमात्र तरीका है कलयुगी बुराइयों से बचने का। इसी के साथ मैं एक और बात हमेशा कहती हूँ, अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी, देखो कार्तिक होता है त्योहारों का महीना, उसमें स्नान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। माघ होता है बिल्कुल ठंड का टाइम, उसमें तो स्नान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक ये वैशाख होता है, जो जब गर्मियां है अपने आप जल्दी आंख खुल जाती है, नहाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, है ना, पूजा पाठ आराम से करो। तो वैशाख होता है जो हर कोई कर सकता है, हर कोई। तो अगर कोई भी ऐसा है जिसने कार्तिक या माघ कभी करने की हिम्मत नहीं करी हो, वह वैशाख से शुरू कर ले और आनंद देखे कितना आता है।
एक प्रश्न आया है, कार्तिक माघ और वैशाख में क्या अंतर है? देखो, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ये तीन मुख्य महीने मांगने गए हैं, कार्तिक, वैशाख और माघ। वैशाख में स्नान दान पूजा करके हम अपने इस जीवन की परेशानियों को खत्म करते हैं, साथ ही अपने पुण्य कर्मों को भी बढ़ाते हैं। वैशाख में जल का दान महान माना गया है। वैशाख में सूर्य से पहले भोजन करना होता है, मतलब दिन के समय, ठीक है। अब है कार्तिक। कार्तिक में स्नान और दीपदान का बहुत महत्व माना गया है। इससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, भगवान खुश होते हैं, हमें भक्ति मिलती है। कार्तिक में दीपदान तिल के तेल का सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। कार्तिक व्रत में पूरे दिन में कभी भी हम एक समय भोजन कर सकते हैं। जो लोग भी कार्तिक में तारा भोजन का नियम लेते हैं, वो रात को तारों को अर्घ देते हैं फिर भोजन करते हैं, ये नियम होता है, ठीक है। अब अगली चर्चा माघ महीने की करते हैं। माघ महीने को भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप माना है। माघ माह में स्नान करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए माघ स्नान से हम अपने कई जन्मों के पाप खत्म कर लेते हैं, साथ ही मोक्ष और मुक्ति मांगते हैं। माघ में गर्म कपड़ों का दान उत्तम माना गया है। माघ में शाम को भोजन करना उत्तम माना गया है। तो इस तरह तीनों महीनों के अलग अलग नियम हैं और उनके उनको करने का, उनका सेवन करने का अलग अलग तरीका है। एक और बात याद रखना, मान्यता है कि वैशाख के महीने में पूजा आराधना करके हम अपने इस जीवन की समस्याओं से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगला प्रश्न आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। उसमें साधक ने बोला है कि हर महीना किसी ना किसी भगवान को समर्पित होता है, तो क्या हम हर महीने स्नान दान व्रत करें? तो देखो, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा है, साधक की इच्छा है। फिर कहूंगी, जीवन छोटा है, जितना हो सके पुण्य कर्म कर लो। अगर ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्य बनाया है तो जरूर दान करो, हर रोज दान करो। प्रश्न है, वैशाख माह स्नान का उद्यापन कैसे करें? देखो, वैशाख पूर्णिमा को वैशाख स्नान का उद्यापन होता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी होती है, जो बहुत ही फलकारी होती है। उद्यापन विधि में हमें 5 ब्राह्मणों को घर में जिमाना होता है, मतलब उन्हें भोजन कराना होता है, साथ ही कुछ भी दान दक्षिणा जो भी हम करते हैं वो हमें करके उन्हें खुश करना होता है, ठीक है। उनके आशीर्वाद के साथ हमारा वैशाख स्नान पूर्ण होता है। पर अगर कोई साधक है जो ये नहीं कर सकता, तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण को जिमा दे। अगर वो ये भी नहीं कर सकता कि भाई मैं ब्राह्मण नहीं जिमा सकता, तो सीधा निकाल दे। कहने का मतलब है, जो कर सकते हो वो करो, बाकी भगवान आपकी स्थिति समझते हैं। पर जैसे समझो इस बात को, अगर कोई सेठ है जो बहुत पैसे कमाता है और बहुत अच्छा व्यवसाय भी बहुत अच्छा है, घर में भी बहुत संपन्नता है, समृद्धि है, और वो खाना बनाना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा, इस वजह से ब्राह्मण को नहीं जिमा रहा, तो वो बात सही नहीं होगी, है ना। फिर उसका स्नान पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है, कितना और कैसे दान करूं, मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूं, क्या करूं? तो देखो, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले भी अपनी बहुत सी वीडियो में आपको बताया है, 1 रुपए का दान भी दान है और 1 लाख रुपए का दान भी दान है। पैसे से ज्यादा किसी व्यक्ति की नियत पर निर्भर करता है। जैसे एक इंसान जो कमाता ही 10,000 रुपए महीना है, घर में अकेला कमाने वाला है, 7 जनों का परिवार चलाना है, वो 500 रुपए दान देता है, जो उसकी हैसियत से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे घर का किराया भी देना है, बच्चों की पढ़ाई की फीस भी है, माँ बापू की दवाई भी है, है ना, घर का राशन वगैरह भी है। इन सब खर्चों के बावजूद अगर वो अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा 500 रुपए देता है, जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम है, तो ये बड़ी बात है। पर वही अगर एक दूसरा इंसान है जो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, लाखों में कमाता है, उसकी वाइफ भी जॉब करती है, और वो 500 रुपए दान करता है, तो आप खुद ही बताओ क्या वो सही है? ये हम कहेंगे ना, वो उसकी नियत ही नहीं है, जबकि वो इससे बहुत ज्यादा कर सकता है। इसलिए याद रखो, दान व्यक्ति की नियत पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। आप गरीब हो तो पैसे का दान मत करो, सेवा का दान कर लो, जल का दान कर लो। अगर शिक्षित हो तो शिक्षा का दान कर दो, किसी को पढ़ा दो फ्री में। कोई कला जानते हो तो कला का दान कर दो, है ना। बात समझो मेरी, दान हर कोई कर सकता है। ठाकुर जी ने किसी को दुनिया में ऐसा नहीं बनाया जो दान नहीं कर सकता। कोई उदास है उसको हंसा दो, किसी की मदद कर दो, बस हमें ना नियत होनी चाहिए, है ना।
जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याव लगवाता है वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, ये आपको पता है। ठीक है, आप किसी सड़क पर ठंडे पानी का मटका रख दो, है ना, ये नहीं कर सकते, और वहां खड़े होकर राहगीरों को पानी पिला दो, आपके अपने में ये भी नहीं कर सकता। आप रोज वो मटका धो के भरने की ड्यूटी ले सकते हो, है ना, ये आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर कहते हो नहीं भाई मैं ये भी नहीं कर सकता, तो आप दूसरे लोगों को दान करने के लिए प्रेरित कर दो, उन्हें जल बर्बाद करने से रोको, उन्हें जल का महत्व समझाओ, चिड़ियाओं के लिए पानी लगा दो, है ना, ये सब कार्य भी तो दान की श्रेणी में ही आते हैं ना, है ना। सिर्फ पैसे का दान दान नहीं होता, अगर आपकी वजह से कोई दान कर सकता है तो वो भी उत्तम दान माना जाता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, समझो अगर कहीं पानी का प्याव लगवाना है, किसी सड़क पे जगह खाली है और आप सबको प्रेरित करते हो, सोसाइटी वालों से पैसे इकट्ठे करके प्याव लगवाते हो, तो वो उन लोगों का जिन्होंने पैसे दिए उनका दान होगा, साथ ही ये आपका दान भी माना जाएगा, क्योंकि इसमें सोच और मेहनत आपकी है, पैसा उन लोगों का है, है ना। अगर आप प्रेरित नहीं करते, वो पैसा नहीं देते और वो प्याव नहीं लगता। एक और बात याद रखो, जो भी दान अपनी प्रशंसा के लिए जाया जाता है वो निष्फल होता है, है ना। उस प्याव के ऊपर बड़ा बड़ा अपना नाम लिखवा दो कि ये मैंने लगवाया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहा जाता है दान एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। अगला प्रश्न आया है, वैशाख में पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते तो क्या नियम ले सकते। देखो, स्नान व्रत तो सबसे उत्तम होता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो तो सिर्फ स्नान कर लो, ऐसा नहीं कि जो खाली स्नान करते हैं उन्हें व्रत करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, आप खाली स्नान कर लो। अगर स्नान भी नहीं कर सकते हो तो कोई और नियम ले लो, या स्नान के साथ भी कोई नियम ले सकते हो, जैसे रोज तुलसी की पूजा करने का नियम, रोज शालग्राम जी को तुलसी अर्पित करने का नियम, भूमि पर शयन करने का नियम, शालग्राम जी के चरणामृत से अपना दिन शुरू करने का नियम कि सबसे पहले मैं शालग्राम जी का चरणामृत ही पीऊंगी, रोज किसी ना किसी चीज को दान करने का नियम, अरे ये आपके ऊपर है। अगर आप ये नियम लेते हो तो इसके लिए आपको करना क्या है, 30 दिनों तक रोज 30 चीजों का दान करना है। हर दिन चीज कितनी दान करनी है पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। आप पहले से ही चीजों की लिस्ट बना लो, और बहुत सारी चीजें, खाने का सामान है, आटा, चीनी, चावल, दूध, है ना, दालें वगैरह, जल हो गया, पंखा हो गया, चप्पल या जूते हो गए, छतरी हो गई, टॉर्च, टोपी, गमछा, मतलब कुछ भी आप दान कर सकते हो, जौ का सत्तू, कपड़े, चादर, कुछ भी सामान, है ना, तो इसका नियम आप ले सकते हो। रोज श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का नियम ले सकते हो, रोज विष्णु सहस्त्र नाम करने का नियम ले सकते हो, गौ सेवा का नियम ले सकते हो, गाय को चारा खिलाने का नियम ले सकते हो, चींटियों को रोज आटा डालने का नियम ले सकते हो, मछलियों को खाना खिलाने का नियम ले सकते हो, पंछियों को दाना डालने का, पानी डालने का, इसका नियम ले सकते हो, भगवद गीता पढ़ने का नियम ले सकते हो, है ना। तो इस तरह आप इन सब का, या इनमें से जो भी कार्य आपको लगता है आप इजिली कर लोगे, उनका नियम ले लो और उस नियम से रोज ऐसा करो। एक अन्य प्रश्न आया है, सूर्य को जल दोते हुए बोलने वाला मंत्र याद नहीं रहता तो संस्कृत नहीं आती है तो क्या करें। देखो, जो मंत्र बोलना है उसे आप किसी कागज पर लिख सकते हो या फोन पर देखकर बोल सकते हो। अगर संस्कृत नहीं आती तो आप उस श्लोक का हिंदी में अर्थ भी बोल सकते हो, दोनों ही बात ठीक है। अगर ये भी नहीं होता तो जो हमने वीडियो में बता रखा है उतनी रिकॉर्डिंग रोक लो और बार बार वो रिकॉर्डिंग प्ले करके वो सुन लो, है ना, ये भी आप कर सकते हो। एक प्रश्न आया है, जिसमें साधक ने बोला है डेली पूजा करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करती हूँ, क्या ये सही है, वैशाख में भी क्या ऐसा ही करूं। तो देखो, कई लोग पूजा से पहले जल अर्पित करते हैं और कई घर के मंदिर में पूजा के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, दोनों ही सही है। पर वैशाख में याद रखो, सूर्य की पहली किरण के साथ हमें जल अर्पित करना है, फिर पूजा सेवा करनी है। तो अगर जैसे आप 4 बजे उठ गए हो, 4 बजे उठ के तब तक तो सूर्यदेव नहीं आते, तो आप पहले अपनी पूजा कर लो और फिर टाइम का ध्यान रखना कि आपकी सिटी के अंदर सूर्यदेव किस समय आ रहे हैं, जैसे उनके दर्शन हो पहली किरण के साथ उन्हें जल अर्पित करो। अगला प्रश्न आया है, वैशाख महा महत्तम की किताब नहीं है, कैसे महत्तम सुने।
तो देखो इस बार हम आपको महत्तम सुनाएंगे वैशाख की कहानियां और महत्तम रोज की आपको इस वीडियो मिलेगी। आपकी सुविधा के लिए हमने अपनी वेबसाइट www.shamdiwani.com पर पूरा वैशाख महत्तम डाला हुआ है, आप वहां से खुद पढ़ भी सकते हो। अगला प्रश्न आया है, वैशाख व्रत में क्या नहीं खाना? जैसे कार्तिक में दाल चावल नहीं खाए थे, वैसे ही वैशाख में क्या क्या चीजें नहीं खानी? तो देखो वैशाख व्रत में बहुत ज्यादा नियम नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दो बार भोजन करना, रात में खाना, ये चीजें मना करी गई हैं। खाने में शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें जो भूख लगा हुआ हो, साथ ही गाजर मसूर की दाल कलौंजी आदि जो चीजें ठाकुर जी को भोग नहीं लगती वो भी ना खाएं। इसके अलावा दाल चावल आदि खाना है या नहीं खाना है पूरी तरह से आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि वैशाख में इसे छोड़ना है, ये सिर्फ कार्तिक का नियम है। एक चीज यहाँ पे और बोलूंगी, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वैशाख मास में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल और तली भुनी चीजें खाने से हमें परहेज करना चाहिए, बेल खाना अच्छा माना गया है। अगला प्रश्न आया है, जब तुलसी तोड़ नहीं सकते तब क्या करें, भगवान को क्या अर्पित करें? देखो तुलसी जी 13 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती, इसलिए आप इन्हें पहले से तोड़ के रख सकते हो। एकादशी, द्वादशी, अष्टमी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, 14 तिथि और शाम के समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। शास्त्रों में इसे पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी मान्यता है इन दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में दरिद्रता आती है, ठीक है। और तुलसी से संबंधित हमारी वीडियोस हैं जिसमें डिटेल में बताया गया है कि तुलसी कब तोड़नी चाहिए, कब नहीं तोड़नी चाहिए, अगर तुलसा जी नहीं है तो भगवान को भोग कैसे लगाएं, आदि बहुत से तुलसी से संबंधित बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें। अगला प्रश्न आया है, वैशाख व्रत के साथ अन्य कोई व्रत कैसे करें? देखो जब भी किसी साधक के एक ही दिन में दो व्रत पड़ जाते हैं तो वो साधक दोनों व्रतों के नियमों का पालन करके दोनों व्रतों को करता है, ठीक है। अब करना कैसे होता है, जैसे समझो एकादशी है और उसी दिन शुक्रवार है, तो जो लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं वो एकादशी व्रत का भी नियमों का पालन करेंगे और वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत के नियमों का भी पालन करेंगे। आप उसे करना क्या है, जैसे लक्ष्मी जी के व्रत में शाम के समय हम खीर का भोग लगाते हैं तो फिर हम वो बढ़िया मखाने की खीर बनाएंगे, उसका भोग लगाएंगे, वो प्रसाद अर्पित करके सब में बांटेंगे, ठीक है। अगर समझो एकादशी गुरुवार को पड़ जाए, वीरवार को, है ना, तो जिन लोगों का बृहस्पति भगवान का व्रत होता है वो दो व्रत एक साथ करेंगे। रात में फलहार में कुछ मीठा फीका खाना खाएंगे बिना नमक का, और जो फलहार का खाना होगा कुटू सिंघाड़े के आटे का। अब है ना वैशाख मास में हमें दो व्रत करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। होता क्या है, वैशाख व्रत में दिन में खाना खाने का नियम होता है, ठीक है, सूर्यास्त होने से पहले। पर कोई भी अन्य व्रत हो गया ना, जैसे एकादशी व्रत हो गया या वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत हो गया, उसमें हम रात में पूजा करने के बाद खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिस दिन वैशाख में एकादशी व्रत होगा उस दिन हम खाना या फलहार नहीं खाएंगे। दिन के समय में कुछ हल्का प्रसाद जैसे मखाने की खीर ले लिए, आलू भून कर या मखाने भून कर खा लिए, इस तरह हमें करना होगा। अगला प्रश्न आया है, साधक ने पूछा है वैशाख माह के विषय में ज्यादा नहीं सुना, हमें तो सिर्फ कार्तिक का ही पता है, ऐसा क्यों? तो देखो उत्तर में कहूंगी आप सही हो, वैशाख मास अधिक प्रसिद्ध नहीं है। कार्तिक के विषय में सबको पता है पर वैशाख के विषय में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। जब आप वैशाख महत्तम सुनोगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर वही मिल जाएगा। यही मैं ये वीडियो का सेशन खत्म करती हूँ। अंत में फिर कहूंगी पावन वैशाख का महीना है, जो व्यक्ति जितनी अधिक सेवा कर सकता है वो जरूर करे। शास्त्रों में जलदान को उत्तम दान बताया गया है, सूर्योदय से पहले स्नान करें, साथ ही ईश्वर की भक्ति करें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इस समय में किया गया कोई भी एक कार्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला होता है, ठीक है। आप जब वैशाख महत्तम सुनोगे तो उसमें आप जानोगे कि एक चोर जिसने एक फटे पुराने जूते ब्राह्मण को दान दिए उसी से उसका कल्याण हो गया, है ना। तो बहुत सारी कथाएं आप सुनोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और वैशाख महत्तम आपको रोज सुनाएंगे, आप जरूर सुनिएगा वैशाख की कहानियां और वैशाख महत्तम।
मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके पास अभी भी कुछ प्रश्न है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।